हेल्दी ग्रानोला बनाना है तो कैसे बनाएं? तो एक कप बड़ा सा मैंने लिया है ओट्स, आप अपने अनुसार कोई भी क्वांटिटी प्लस माइनस कर सकते हैं। ये है रोल्ड ओट्स, ये इजीली अमेजोन पर या फिर कोई भी मॉल में इजीली मिल जाते हैं। इसको हम धीरे आंच पर इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, जब तक ये एकदम से क्रंची ना हो जाए तब तक मैंने इसको रोस्ट कर लिया है। अब देख सकते हैं कि इसका जो थोड़ा सा कलर जो है वो ब्राउनिश हो गया है और अच्छे से वो क्रंची हो चुका है, तो हमारा ओट्स अच्छे से सिक चुका है। और ये आप कभी भी ले सकते हैं, ये ग्रानोला बना के लेने के बाद मैंने लिया है अराउंड हाफ कप जितने नट्स लिए हैं। मैंने आलमंड्स एंड कैशनट लिए हैं, काजू एंड बादाम, आप कोई भी ले सकते हैं, आप पिस्ता ले सकते हैं, वॉलनट्स ले सकते हैं, आप मिक्स सारे नट्स को भी ले सकते हैं। इसको भी अच्छे से हम सेक लेंगे इसके अंदर ही डाल के, तो ये 2 मिनट अराउंड आपको लगते हैं अच्छे से सेकने में। ये जितना क्रंची होगा उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो उसके बाद मैंने लिया है अराउंड 2 बिग स्पून पम्पकिन सीड, उसको भी हम ये जो गरम हमारा पैन है उसके अंदर अच्छे से सेक लेंगे। धीरे धीरे सारे इंग्रेडिएंट्स जैसे मैंने आपको दिखाया है इस तरह से ही हम बनाएंगे प्रॉपर, तभी उसका अच्छा टेस्ट आएगा। और ये 1 मंथ अराउंड आप उसको स्टोर कर सकते हैं। अभी मैंने लिया है ब्लैक किशमिश, हम सब जानते हैं ब्लैक किशमिश बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, और इससे नेचुरल जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो भी इंक्रीज होता है। तो ऑलवेज मैं सारी मेरी स्मूदी के अंदर ये सारी चीज़ें डालती ही हूँ, तो वो ये सारी किसी भी चीज़ को स्किप मत करना, वैसा ही बनाना जैसा मैंने सिखाया है, तो उसका टेस्ट जो है वो बाजार से भी बहुत ही अच्छा आपको आएगा। आप इसको बना के घर पे रख के 1 मंथ स्टोर कर सकते हो फ्रीज के अंदर, बाहर कहीं पर भी, और ये बच्चे से लेके बड़े तक भी खा सकते हैं। और इसके बाद मैंने 1 स्पून लिया है जो नॉर्मल वाला किशमिश आता है वो गोल्डन कलर वाला, ठीक है। तो इसको भी डालने के बाद हम उसको गैस को चलाते ही रहेंगे और इसको कंटिन्यूस हमें मिक्स करते रहना है। इतनी सारी चीज़ें डाली, अभी हम लास्ट जो मैजिकल हमारा इंग्रेडिएंट है वो है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट जो आता है बिटर वाला, ठीक है, मैंने लिया है अमूल का, आप कोई भी ले सकता है, लेकिन शुगर वाला नहीं होना चाहिए, सिर्फ चॉकलेट डार्क होनी चाहिए बिटर वाली, ठीक है। तो उसको मिक्स करेंगे, अभी गरम गरम पैन है, उसको मिक्स करेंगे ना तो ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, और चॉकलेट जैसे मेल्ट होगी तो आपका जो ये ग्रानोला आप देख सकते हैं चॉकलेट वाला पूरा बन गया है। मैंने कैमरा को पोज करके अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं ये सारा चॉकलेट वाला है, और ठंडा होने के बाद इतना क्रंची हो जाएगा। अब उसको सिंपल वैसे ही छोटा कटोरी लेके आप शाम को सुबह ले सकते हैं, मिल्क के अंदर डाल के ले सकते हैं, मिल्क डालो, थोड़ा सा एप्पल, थोड़ा सा बनाना डाल के उसको भी ले सकते हैं, ओवरनाइट सोक कर सकते हैं। तो ये ग्रानोला है हमारा होममेड, बच्चों को दीजिए ये अच्छे से खा जाएंगे, तो बाहर की चीज़ों को खाने का मन नहीं होगा उनको, पेट भी आपका भर जाएगा। इसको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, कभी कभी लंच में ले सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूर से बनाना, और आपका जो फीडबैक है मेरे साथ ज़रूर से शेयर करना, आपने किस तरह से बनाया है पिक्चर मेरे साथ शेयर करना। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।